हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर, स्टडी विद आकाश पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई या फिर कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बातें कर रहे थे रूल नंबर 2 की, ठीक है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने की रूल नंबर 2 की बातें हम लोग कर रहे थे। तो रूल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा था वो मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरेटिकल। बाकी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने वाले हैं लाइव, उसको मैं आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में इन्वॉल्व करके दिखाऊंगा कि रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता था और हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता था। रूल नंबर 2 हमसे ये कहता था दोस्तों कि अगर हमें दो कार्बन की चेन मिले, मगर मतलब कि जैसे कि हम कह सकते हैं अगर हमें कार्बन की चेन एक मिली और दूसरी मिली, अगर दो कार्बन की चेन हमें मिल रही है और अगर वो दोनों पे मतलब कार्बन की नंबर सेम है, मतलब 6 ही कार्बन मिल रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो हमको मिली है 6 कार्बन 7 कार्बन, मतलब दोनों में काउंट करने पर हमें दो ही मतलब चेन मिल रही है और दोनों के नंबरिंग सेम है, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किधर से नंबरिंग शुरू करें। ये जो हमारा रूल नंबर 2 है बेस्ड है वो नंबरिंग पे है, मतलब कि नंबरिंग हम कैसे डिसाइड करें कि किस कार्बन से हम लोग नंबरिंग करें, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोग वही करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में अपना पुराना वाला गाना गाएंगे यार। सबसे पहले क्या लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे, फिर उसके बाद उसमें से सब्स्टिट्यूएंट ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद यार अपना जो तो लगा के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है, आइए इसको मैं आपको करके दिखाता हूं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। ये देखिए, पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, प्रिंसिपल चेन छाटना, लॉन्गेस्ट चेन छाटना, 1 2 3 नो छी छी, 1 2 3 4 5 6 वाओ, 3 से 6 पे पहुंच गए हम लोग। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 वाओ, आपको ये बात तो याद ही होगी कि हम लोग प्राइमरी कार्बन रूल लगाते हैं। प्राइमरी कार्बन रूल क्या होता है हमसे, वही हमसे कहता है कि हम जो लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे वो प्राइमरी कार्बन से ही छाटेंगे, जो शुरू करेंगे नंबरिंग प्राइमरी कार्बन से ही शुरू करेंगे। ये बातें आपको याद में जरूर रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है यार, याद कर लो। ये देखो हम लोगों ने यहां से चेन छाट ली, 6 कार्बन के हमें मैक्सिमम मिले, फिर से देख लेते हैं प्राइमरी कार्बन, ये भी है, ये भी तो है, यहां से भी कर लेते हैं यार, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 वाओ, 1 2 3 4 5 6 वाओ, 1 2 3 4 5 6 अरे यार 6 कार्बन की ही चेन मिली। आइए ये भी ट्राई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन ही, इधर से कर लेते हैं, ये तो प्राइमरी है ही नहीं, वो ये तो गलत हो जाता अब तक। ये देखिए यहाँ से प्राइमरी 1 2 3 नो 1 2 3 4 5 नो यार, 1 2 3 4 5 6 वाओ, 1 2 3 4 5 6 वाओ, मतलब 6 कार्बन की ही चेन मिली है हमें किसी भी प्राइमरी कार्बन से अगर हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो हमें 6 कार्बन की ही चेन मिली है, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग कौन सी चेन लें, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। हम लोग वो कार्बन की चेन लेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले और वो भी कम नंबर पे मिले, ठीक है। मतलब क्या है कम नंबर का, मतलब आपको समझ में अभी आ जाएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। इधर से देखिए, वन यहां से नहीं शुरू करते हैं, लाइए हमको यहां से पसंद है, हम इस कार्बन से शुरू करेंगे, नहीं हमारा मन है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 नो, तो हम लोग 6 कार्बन की चेन लेते हैं। तो आइए प्रिंसिपल चेन को पहले गोले में ले लेते हैं, पहले कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 ही है, इसको भी आप ले सकते हैं, कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये मिथाइल ग्रुप ये भी है, मिथाइल ग्रुप ये भी है, तो इसी को बना लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। ये देखिए हम पहले इसी को मिथाइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट बना लेते हैं, कोई भी हो यार, मिथाइल ग्रुप ही तो मिल रहा है। ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। एक बार हम लोग प्रिंसिपल चेन को भी गोले में कर लेते हैं यार, अच्छा लगेगा हमें, स्ट्रक्चर देखने में अच्छी लगेगी, कर लेते हैं यार, अच्छी बात है। ये देखो रेक्टेंगल में करने में कितना अच्छा लगता है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ताकि गलती ना हो, क्योंकि गलती को ही बचाने के लिए तो हम लोग इसको गोला और गोली में भर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी क्या होगी प्रिंसिपल चेन, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल चेन, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गए आपके सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब देखिए क्या करेंगे,
एक बार मैं आपको वो मिनिमम कार्बन मिनिमम नंबर वाला आपको दिखा देता हूँ इधर से काउंट करने पे। 1 2 3 हम लोग इधर से भी काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए मैं इधर से क्यों कर रहा हूँ, 1 2 3। टू नंबर पे हमें क्या मिला, मिथाइल ग्रुप। इसको मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, टू नंबर पे हमें क्या मिला, मिथाइल ग्रुप। थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर नजर आए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ये देखिए टू पे हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है, मिला हमके मिला हमको। ये देखिए थ्री पे हमें क्या मिला, मिथाइल ग्रुप, सॉरी इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। फिर क्या मिला फाइव पे, मिथाइल ग्रुप। फाइव पे हमें मिला मिथाइल ग्रुप, ठीक है। फाइव पे हमें मिथाइल क्या नंबरिंग मिली, 2 3 5 मिला, ठीक है। अब देखिए इधर से करते हैं तो 1 2, टू पे हमें क्या मिला, मिथाइल। टू पे हमें क्या मिला, मिथाइल, ये इधर के लिए है। ये देखिए थ्री पे हमें मिला, थ्री पे हमें मिला इथाइल। ये देखिए क्या मिला फिर, 1 2 3 4, सॉरी ये फोर पे इथाइल मिलेगा ना, इधर से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पे मिला है। उसके बाद फाइव, फाइव पे क्या मिला, मिथाइल। इधर से कर लेते हैं यार, फाइव पे क्या मिला, मिथाइल। अब ये नंबरिंग देखिए 2 4 5, ये मैं नंबरिंग देखिए 2 3 5। अब इधर से अगर हम लोग एक बार नीचे लिख के एक बार पूरा देख लें, इसको लिखें 2 3 5, इसको लिखें 2 4 5, ठीक है। अब देखिए दोनों में आपको कौन सा मिनिमम लग रहा है, 2 2 सेम है यार, तो दूसरा देख लेते हैं 3 4 3 वाला कम है यार, तो कौन सा सही हुआ, ये आपका राइट हुआ, ये नंबरिंग आपकी राइट हुई, ये क्या हो गई आपकी रॉन्ग हो गई, ये क्या हो गई आपकी रॉन्ग हो गई, ये हो गई राइट। अब हम लोग नंबरिंग यही करेंगे, यही हमारी ट्रिक थी कि हम लोग इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 3 5 आ गया, अब देखिए क्या मिला हमें, यही करेंगे। 6 कार्बन का आप लोग एल के जानते ही होंगे, हेक्स होता है यार, कितनी बार बता चुके हमको, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब आपको तो आता ही होगा आगे, बाकी रूल नंबर 2 हमने समझा दिया, बाकी नॉमेनक्लेचर क्या करना है, 2 हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूर ध्यान में रखना है, ये अगर गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर पहले एम आता है कि ई आता है, आप ही बताइए, पहले ई आता है यार, ए बी सी डी ई, उसके बाद ही एम आता होगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 पे हमें क्या मिला था, इथाइल ग्रुप। उसके बाद क्या मिला हमें, 2 पे क्या मिला था, 2 पे और 5 पे क्या मिला था, मिथाइल ग्रुप, 2,5-मिथाइल। उसके बाद हेक्स को आप लोग जानते ही हैं, 6 कार्बन का एल्क क्या होता है, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे यार, 3-ethyl-2,5-methyl, मिथाइल नहीं होगा बेटा, गलत हो गया, डाई मिथाइल, क्यों, क्योंकि दो मिथाइल है, आपने याद भी नहीं दिलाया, तो 3-ethyl-2,5-dimethyl हेक्सेन, ये था आपका रोल नंबर 2, मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और प्लीज यार चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।